एक्सरसाइज 2.2 वी हैड ऑलरेडी। अभी हम अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, और आप देखेंगे कि इस मेथड में तीन मेथड्स कंप्लीट किए और चौथा मेथड है ग्राफिकल मेथड। तो मैं साथ साथ 9th स्टैंडर्ड का जो ग्राफ वाला पार्ट है वो और ये ग्राफिकल मेथड दोनों एक साथ डिस्कस कर लेंगे अभी। आई होप सब लोगों ने नोट्स लिख लिए हैं। नोट जब आप लिखते हो तो अच्छे से उसके फोटोज निकाल के वो भी मुझे भेजा करो हर रोज। ओके सर। चलेगा, आप अगर नहीं भेजेंगे तो मैं ऐसा अज्यूम कर लूंगा कि आपने कुछ भी लिखा ही नहीं, ऐसे मैं अज्यूम करते चलूंगा। तो हमेशा होमवर्क और नोट्स इसके फोटोज भेजते रहो। अभी मैं ग्रुप पे सब कुछ डालते जाऊंगा, जैसे कल डाला था जिस जिसने होमवर्क किया खाली 2-3 स्टूडेंट का नाम डाला है, बाकी के लोग जल्दी से जल्दी आज होमवर्क भेज दो एक्सरसाइज 4.2 का। आज सुबह यस 8 बजे के बाद मैं आपका नाम उसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो अगला हमारा चौथा मेथड है ग्राफिकल मेथड। ये जो चौथा ग्राफिकल मेथड है इसमें यस वैभव नो प्रॉब्लम, मैं चेक करके आपका नाम उसमें ऐड कर दूंगा। सो चौथा मेथड ग्राफिकल मेथड, उसके पहले हमें किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का अगर हमें इक्वेशन दिया है तो उसका ग्राफ हमें ड्रॉ करते आना चाहिए, ठीक है। ऑफ कोर्स आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू इफ पॉसिबल टुमारो ऑनवर्ड्स यू कैन टेक ब्रिंग द ग्राफ पेपर्स। आज मैं खाली यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, वी कैन ऑल्सो यूज हियर ग्राफ्स, ग्राफ में यूज करके आपको बताता हूँ। लेकिन फिर भी आप भी क्या करो, ग्राफ पेपर अगर पॉसिबल है तो लेके आओ कल से, टुमारो ऑनवर्ड्स। ये क्या है बेटा, वैभव डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बताया था ना, देखो क्या करना है, इस ये जो इक्वेशन दिया है उसके लेफ्ट हैंड साइड में x के जगह 0 और y के जगह 2 डाल के देखो। हाँ ये सोलो ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, और राइट हैंड साइड इक्वल टू 2 मिलता है क्या चेक करो। ये वाला सॉल्व करके बताया था, देखो यहाँ पे नहीं मिलता तो 1.x,y इसके लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस 2y में x का वैल्यू √2 और y का वैल्यू 4√2 डाल दो, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करो LHS और RHS दोनों सेम आ रहे क्या नहीं आ रहे। इक्वल नहीं आते हैं तो बोलना है कि दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन, और अगर LHS और RHS दोनों इक्वल आते हैं तो देन वी विल से दैट इट इज अ सॉल्यूशन। यहाँ पे अभी हमने बोला इट इज नॉट अ सॉल्यूशन, समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? हाँ सर समझ आया। हाँ ये कौन है रे? शिवम अपना ऑडियो ऑफ रखो, और बैकग्राउंड साउंड आ रहा है आवाज। जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर कुछ पूछना है तब ऑडियो ऑन करके बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सिद्धांत ताकड़गांवकर टाइम पे आया करो बेटा, और कौन था रे, लेट लेट ज्वाइन होने वाले सब लोग टाइम पे आया करो। सो वी आर डिस्कसिंग नाउ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसी में मैं सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 डिस्कस कर रहा हूँ, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, कोई भी इक्वेशन हमें जब दिया रहता है तब, तो आप देखेंगे यही टाइटल है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे एक एग्जांपल उन्होंने दिया है, आई विल जस्ट क्विकली एक्सप्लेन इट। देखो एक लाइन लीनियर इक्वेशन दिया है इन टू वेरिएबल्स x + 2y = 6। इन्होंने क्या किया,
एक टेबल बनाया नीचे एक्स वाई, यहाँ पे एक्स के वैल्यूज ले लिए और करस्पॉन्डिंग वाई के वैल्यूज उन्होंने फाइंड किए, ठीक है। और फिर उसके बाद उन सारे पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट किया और उनको ज्वाइन कर दिया, तो आपको एक मिलता है स्ट्रेट लाइन। मैंने बोला था आपको याद है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है उसका ग्राफ अगर हमने ड्रॉ करने का ट्राई किया तो वो हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है, ओके। तो ऐसे हमें ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। सो वी विल टेक द क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम द एक्सरसाइज। देखो एक्सरसाइज 4.3 जो है उसमें क्या बोला गया, पहला क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना सीखना है। सो आई विल डायरेक्टली टेक द क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट लेते हैं पहले, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अभी ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया है, उसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। और आपको पता होना चाहिए कि ये ग्राफ क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। इसीलिए उस इक्वेशन को हमने नाम दिया लीनियर इक्वेशन, ओके। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते वक्त हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी ग्राफ को एक लाइन अगर डिसाइड करना है तो लाइन के ऊपर कम से कम हमें 2 पॉइंट पता होने चाहिए। किसी भी लाइन को मुझे फाइंड आउट करना है तो कम से कम मुझे अगर ऐसे 2 पॉइंट पता है तो उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके मुझे वो लाइन मिल जाएगा। तो हमें कम से कम इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन मतलब क्या, एक्स और वाई के ऐसे वैल्यूज जिससे यहाँ LHS और RHS इक्वल आएगा, ये मैं अभी बार बार बता चुका हूँ। तो हमें कम से कम 2 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। वैसे CBSE बोर्ड में एक स्टैंडर्ड उन्होंने अप्लाई किया है कि कम से कम 3 पॉइंट फाइंड करो किसी भी लाइन पे, और महाराष्ट्र बोर्ड ने बोर्ड के बुक में उन्होंने बोला है कि आप कम से कम 4 पॉइंट फाइंड करो। तो हम 3 या 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें इक्वेशन दिया हुआ है तो, ठीक है। तो हम 4-4 फाइंड आउट कर लेंगे तो दोनों कवर हो जाएगा। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हमें फाइंड करने। तो क्या करना है आपको, पहले एक टेबल बनाने का, पहले एक्स वाई ऐसा एक टेबल बनाओ, फिर उसके बाद यहाँ पे टोटल हमें 4 पेयर चाहिए, ये पहला पेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऑफ कोर्स तीसरा एक रो आएगा एक्स्ट्रा, वो आएगा एक्स कॉमा वाई, वो जो पॉइंट है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप 1, 2, 3, 4 एटलीस्ट 4 पॉइंट चाहिए हमें, 5 पॉइंट्स का जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी हमने अभी 5 कॉलम ड्रॉ कर दिए तो रहने देते हैं, हमें 4 पॉइंट ही चाहिए, 4 कोऑर्डिनेट सफिशिएंट है। अभी क्या करने का, सबसे पहला पॉइंट फाइंड आउट कर, मैं स्मॉल ए लिखता हूँ, स्मॉल ए मतलब अभी पहला पॉइंट। तो हमेशा ये स्टैंडर्ड वे हम यूज करते हैं, पहला कोऑर्डिनेट फाइंड करते वक्त हम एक्स का वैल्यू 0 डाल के देखते हैं, इस इक्वेशन में एक्स का वैल्यू 0 डाल दो तो आपको वाई का वैल्यू मिल जाएगा 4। तो एक्स का वैल्यू 0 डाला यहाँ पे तो y will be equal to 4, तो 0, 4, 0, 4 ये आएगा पहला पॉइंट इस इक्वेशन का पहला सॉल्यूशन। वैसे ही दूसरा हम y equal to 0 लेते हैं, y 0 डाला तो मुझे x का वैल्यू 4 मिल जाएगा, सो y 0 तो x 4, 4, 0 ये दूसरा पॉइंट रहेगा इस लाइन पे, इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। तीसरा पॉइंट, अभी एक्स वाई की जगह कोई दूसरा नंबर डालो, मैं समझो एक्स की जगह 1 डालता हूँ, ओके। एक्स की जगह अगर हमने 1 डाला यहाँ पे तो हमें मिलेगा 1 + y = 4, y = 4 - 1 that is 3। तो एक्स का वैल्यू अगर मैंने 1 सब्स्टिट्यूट किया तो वाई का वैल्यू मुझे 3 मिला। हाँ, एक्स का वैल्यू पहले रो में लिखना है, वाई का वैल्यू दूसरे रो में, और वो पॉइंट मिलेगा 1, 3। और चौथा पॉइंट हम क्या करेंगे, y का वैल्यू 1 डालेंगे। अभी वो हमारे ऊपर है, ऐसा नहीं है कि आप खुद सब्स्टिट्यूट करके देखो,
जो भी वैल्यूज, लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज ऐसा है कि जो भी ये आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हो x कॉमा y, ये दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स इंटीजर आने चाहिए. y इक्वल टू अगर हमने 1 डाला तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, x विल बी 4 माइनस 1 3. y का वैल्यू 1 डाला तो x का वैल्यू 3 मिल रहा है, तो 3, 1 ये रहेगा चौथा पॉइंट. इंटीजर वैल्यू आने चाहिए ऐसा ट्राई करो. अगर इंटीजर नहीं आते हैं और पॉइंट में आते हैं, ये जो है ना पहले वाले, ये हमें खुद से मन से ही अपने आप बाय आवर ओन अजम्पशन वी कैन सब्स्टिट्यूट. जनरली मैं क्या करता हूँ, मतलब ये बुक में भी स्टैंडर्ड यूज किया है, पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए एक्स जीरो डालो, दूसरे के दूसरे में वाई जीरो डाल के एक्स का वैल्यू निकालो, तो ऐसे दो पॉइंट तो आपको तुरंत मिल जाते हैं. तीसरा चौथा पॉइंट फाइंड करने के लिए आप मन से ही कोई भी वैल्यू ले सकते हैं. जनरली ट्राई करो छोटे वैल्यू ले लो, मतलब एक्स का वैल्यू 1, -1, 2, -2 ये डालना, या फिर वाई का वैल्यू 1, -1, 2, -2 ये डाल के देखना. तो ज्यादा बड़े वैल्यूज लेंगे तो कैलकुलेशन अननेसेसरी बढ़ जाते हैं, इसीलिए यही वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करके एक एक्स का वैल्यू डाल दिया, वाई का वैल्यू वहां से फाइंड आउट करो. सो ऐसे हमें ये अभी चार पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिले एक्स कॉमा वाई, ठीक है. इन चारों पॉइंट्स को चाहे तो हम नेमिंग भी कर सकते हैं, उनको नाम दे सकते हैं. आंसर शुड बी इंटीजर ओनली समर्थ. आंसर शुड बी इंटीजर. इफ इफ द आंसर इज नॉन इंटीजर देन दैट पॉइंट वी शुड नॉट यूज, क्योंकि ग्राफ में प्लॉट करना उसको बहुत डिफिकल्ट जाता है पॉइंट में अगर हमें आंसर मिलता है तो फिर उस केस में कैसे इंटीजर लाना है वो भी तरीका मैं बताने वाला हूँ आगे, ठीक है. ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है. तो ये हुआ, ये चार पॉइंट हमें मिले. अभी इन चार पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करना है. तो देखो ये है हमारा स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप कि ये चार पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करो. हमेशा लिखते हो कैसे लिखने का, पहले इक्वेशन लिखने का, उसके नीचे टेबल लिखो, और उसके नीचे ये रफ वर्क में जो मैंने कैलकुलेशन किया वो कैलकुलेशन भी लिखो. और जिस किसी भी स्टूडेंट के पास अभी अगर ग्राफ पेपर है तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि ये ग्राफ पेपर पे दो पेजेस रहते हैं, एक वाइट कलर का एक ग्रीन कलर का. तो ये जो है इतना जो थ्योरी मैंने लिखा अब तक, चार पॉइंट और उसका ये रफ वर्क, ये आप क्या करो व्हाइट पेज पे लिखो, और ग्राफ हम वो ग्रीन पेज पे ड्रॉ करेंगे जहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आएगा, ठीक है. तो कल से जब आप, या फिर आपके पास अभी भी ग्राफ पेपर है तो आप अभी भी यूज कर सकते हैं. 8 बजे के बाद आप जब इसके नोट्स निकालेंगे तो हाँ, ये व्हाइट पेज पे लिखो ये थ्योरी पार्ट, और जो ग्राफ में दिखाता हूँ वो आपको ग्राफ पेपर पे लिखना है, ड्रॉ कर यूजिंग पेंसिल. रुद्राक्ष ने पूछा कि सर छोटे ही नंबर, देखो छोटे नंबर हम इसीलिए ले रहे हैं, ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जो मन से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम खुद से बाय अज्यूमिंग आवर सेल्फ, ये इसीलिए क्योंकि हमें हमारा कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगा. कैलकुलेशन अननेसेसरी हम खुद बढ़ाएंगे तो ये टाइम फाइंड आउट करने के लिए बहुत टाइम चला जाएगा, पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए, फिर ग्राफ भी ड्रॉ करना है उसके बाद, तो इसीलिए वैसे तो डिफिकल्ट पॉइंट्स हम ले सकते हैं, ठीक है. अभी फिलहाल अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो आप सीधा डायरेक्टली नोटबुक में भी ड्रॉ कर सकते हैं रफ में. तो अभी इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले वर्टिकल लेंगे हम ऐसा वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लेंगे हम एक्स एक्सरसाइज ग्राफ बुक में लिखनी है या फिर नोटबुक में. एक्सरसाइज ग्राफ बुक में ही लिखो, दैट इज प्रेफरेबल. लेकिन किसी को अगर प्रॉब्लम है, आप अगर गांव में हैं और गांव में ग्राफ पेपर नहीं मिल पाते तो ठीक है, उस केस में आप नोटबुक में लिख सकते हो. लेकिन जिनको ग्राफ पेपर मिल पाते हैं वो सब लोग ग्राफ पेपर पे ही सॉल्व करो, ठीक है. और जब आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे ग्राफ्स तो मैं बताता हूँ कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है. सबसे पहले आपको यहाँ पे एक स्केल लिखना है. सी आई विल जस्ट शो यू.
मैंने 10th स्टैंडर्ड को ये चैप्टर जब पढ़ाया तो उनके पीपीटीज में डायरेक्टली दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। स्टैंडर्ड 10 का ये पहला ही चैप्टर है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स महाराष्ट्र बोर्ड में, और सीबीएसई बोर्ड में 4th चैप्टर है। देखो यहाँ पे ये ग्राफ पेपर है, ऐसा आपका ग्रीन ग्राफ पेपर रहेगा, तो उसमें हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस आप पेंसिल से ड्रॉ करो, वर्टिकल वाई एक्सिस पेंसिल से ड्रॉ करो, फिर जहां पे वो दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट होते हैं वो रहेगा आपका 0 पॉइंट, और हम यहाँ पे स्केल ले रहे, स्केल SCALE स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, तो 1 सेंटीमीटर मतलब ये इतना डिस्टेंस, ये जो एक लाइन है ना ये वर्टिकल लाइन, दोनों में जो डिस्टेंस है ये 1 सेंटीमीटर है। आप देखेंगे कि इसके उन्होंने 10 इक्वल पार्ट्स किए हुए हैं आपके ग्राफ पेपर में। सो हमने क्या किया, यहाँ 1 लिखा, बाद में यहाँ 2, 3, 4, 5, 6 पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस पे -1, -2, -3 ऐसा, और फिर उसके बाद इसके बाद हमने वाई एक्सिस पॉजिटिव साइड +1, +2, +3, +4, -5 और नेगेटिव साइड -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे। अभी आपको कहाँ तक पॉइंट्स प्लॉट करने हैं तो वो आपको पता चल जाएगा कि इसमें देख लो, ये पॉइंट में सबसे बड़ा एक्स क्या है, कितना है, 4 है, और वाई सबसे बड़ा कितना है, 3 है, पॉजिटिव ही है सारे पॉइंट्स, तो मोस्टली सारे पॉइंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। अभी हमें 1 by 1 पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है आप पहले इनको नाम दे दो, पहला पॉइंट है उसको नाम दिया A0.4, दूसरा पॉइंट को नाम दिया B4.0, C1.3 और चौथा पॉइंट D3.1, ओके ऐसे हमने नाम दिया। अभी इनको हमने पहले ग्राफ ड्रॉ कर लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नंबर लिख लिए, नाउ वी आर प्लॉटिंग दोज पॉइंट्स इन द ग्राफ। पहला पॉइंट है A0.4, तो पहला कोऑर्डिनेट 0 है एक्स कोऑर्डिनेट, आप हमेशा याद रखोगे पहला एक्स रहता है दूसरा वाई रहता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो हमेशा वो पॉइंट वाई एक्सिस पे रहता है, तो 0.4 तो वाई एक्सिस का ये जो 4 है यहाँ पे रहेगा आपका पॉइंट ए, तो ये जो पॉइंट है 4 वहां पे ऐसा एक डॉट निकालो और उसको ऐसा छोटा सर्कल करो और वहां पे लिखो A0.4, ये हुआ पहला पॉइंट हमने ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। फिर दूसरा पॉइंट है B4.0, तो 4.0 इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है मतलब ये एक्स एक्सिस पे रहेगा, तो 4.0 मतलब यहाँ पे आएगा वो पॉइंट, और इसको लिखो B4.0 ऐसे लिख लिया। फिर तीसरा पॉइंट C1.3, तो 1.3 मतलब x का 1 और y कोऑर्डिनेट 3, तो 1 और 3 जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं, देखो 1 x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 3 यहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं, इसको नाम दिया पॉइंट C 1.3। समझ में आया क्या सबको ये? यस सर। पॉइंट D 3.1 3 1 3 से वर्टिकल लाइन और 1 से हॉरिजॉन्टल लाइन,
यहाँ पे वो ग्राफ में आपको डायरेक्टली दिखाई देता है, ग्राफ में कोई टेंशन ही नहीं है। 3,1 अभी ये जो चारों पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन करने वाला है एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा। तो एक स्केल लेने का रूलर, और रूलर से ऐसे एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन पूरा पूरे ग्राफ में ऐसा लंबा आना चाहिए पूरे पेज में। सो ये रहेगा आपका लाइन, और इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये इस लाइन के ऊपर लिख लेने का, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये है हमारा स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज हाउ वी शुड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और याद रखना है कि ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है, और वो कैसे पता चलेगा स्ट्रेट लाइन, तो हम उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स रहते हैं, उसमें से हम 4 पॉइंट यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, ये सब कैलकुलेशन करके 4 पॉइंट फाइंड करते हैं, और फिर वो 4 पॉइंट को जोड़ दो, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे आपको ग्राफ ड्रॉ करना है यूजिंग ग्राफ पेपर। समझ में आया सबको? सर अगर माइनस तो उधर थर्ड क्वार्टर में आता ना, उसका भी एक आधा एग्जांपल ले लेते हैं। तो आप सब लोग अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 में हमने क्या किया, पहले इक्वेशन लिखा, इक्वेशन के बाद टेबल लिखा, और टेबल में ये रफ वर्क में नहीं करो, ये फेयर में ही करो, टेबल के नीचे ये सारा कैलकुलेशन, एक्स के वैल्यूज डालते जाओ, वाई के वैल्यू फाइंड करते जाओ, या फिर y का वैल्यू डालो, x फाइंड आउट करो, और वैल्यूज लेते वक्त छोटे वैल्यू ले लो फॉर कैलकुलेशन इजी होने के लिए, ठीक है। ये आपको ऐसे ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। अभी मैंने ग्राफ पेपर पे बता दिया, इसलिए यहाँ पे नहीं बताऊंगा, सीधा ग्राफ पेपर पे ही आप ड्रॉ कर लेना। दूसरा क्वेश्चन समझो, एखादा और एक डिफिकल्ट इक्वेशन दिया है। हाँ बोलो। ये है हमारा स्टेप नंबर 2 ग्राफ, ठीक है, स्टेप नंबर 2 ग्राफ। वहां पे हमेशा ग्राफ में दो चीजें याद रखनी है, एक यस बराबर है रुद्राक्ष, एज पर अवर विश वी कैन टेक स्मॉल वैल्यूज। स्केल हमने लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केल लिखो, फिर पॉइंट प्लॉट करके लाइन ड्रॉ करो, और दूसरा चीज इंपॉर्टेंट है, लाइन का इक्वेशन भी लिखो, तो पता चल जाता है कि ये कौन सा लाइन है, ठीक है। बाद में हमें एक ही ग्राफ में दो दो तीन तीन लाइन ड्रॉ करने हैं एक ही ग्राफ में, तो फिर वहां पे हमें पता रहना चाहिए कि ये लाइन का इक्वेशन कौन सा है, तो उस लाइन के ऊपर ऐसे लिखना है। ये दो चीजें याद रखो, स्केल लिखना है और लाइन का इक्वेशन भी लिखना है, और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप लिख सकते हैं ऐसे। सो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इतना सबको क्लियर हो गया, इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम डिस्कस करेंगे अभी। लेट अस टेक सम मोर क्वेश्चंस। नेगेटिव अभी अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोई तो बोल रहा था सर नेगेटिव वैल्यूज आते हैं क्या, तो आ सकते हैं। सेकंड थर्ड आप खुद सॉल्व कर लेना, एक्स के वैल्यूज डालते जाओ, वाई के वैल्यूज मिलेंगे, 4-4 पॉइंट। ये फोर्थ वाला मैं सॉल्व करके बताता हूँ। फोर्थ
नियति राठौड़ यस सर ऑडियो ऑफ करो ये बैकग्राउंड साउंड मुझे नहीं आना चाहिए इसके बाद मैं रिमूव कर दूंगा क्लास से इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स देन यू कैन स्विच ऑन द ऑडियो एंड स्पीक ओके बीच में ऐसे खुद ऑडियो ऑन करके कुछ भी बीच में आवाज नहीं आना चाहिए ये रिकॉर्ड होता है बेटा और यूट्यूब पे जाता है ये लेक्चर और सारे इंडिया के स्टूडेंट देखते हैं उसको ओके थ्री इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वाई ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इसको हम ऐसा उल्टा लिखेंगे टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री अभी फिर से हमें वो टेबल लिखना है सबसे पहला स्टेप वन तो हमारा वही है इक्वेशन दिया है पहले कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेंगे और उस टेबल में आपको पता है पहला लाइन रहता है x दूसरा रहता है y और तीसरा x कॉमा y ओके पॉइंट वन पॉइंट टू पॉइंट थ्री एंड फोर अभी यहाँ पे इसके नीचे हम रफ वर्क करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं x का वैल्यू जीरो डाल के देखो x का वैल्यू अगर हमने जीरो डाला तो y का वैल्यू मुझे मिल जाएगा थ्री तो जीरो थ्री जीरो कॉमा थ्री पहला पॉइंट रहेगा ओके मतलब हमारा पहला पॉइंट है a जीरो कॉमा थ्री दूसरा पॉइंट जनरली हम y को जीरो डालते हैं अभी अगर आपने y को जीरो डाला तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2x प्लस जीरो इज इक्वल टू थ्री इस इक्वेशन में y की जगह जीरो तो 2x प्लस जीरो इक्वल टू थ्री x इज इक्वल टू थ्री बाई टू अभी ये पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में अगर आता है तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे वी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट पॉइंट में उसको प्लॉट नहीं कर पाएंगे 1.5 इंटीजर वैल्यूज आने चाहिए तो इसीलिए आपको ये पता रहना चाहिए कि यहाँ 2x है समर तो सुन लो आपका डाउट कि अगर नॉन इंटीजर वैल्यू आते हैं तो उस केस में क्या करने का नॉन इंटीजर वैल्यू आने ही नहीं चाहिए पहली बात अभी नहीं आने चाहिए इसके लिए आपको क्या करना है y का ऐसा वैल्यू यहाँ पे डालो ताकि राइट हैंड साइड में इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे 2x इज इक्वल टू कुछ तो इवन नंबर मिलना चाहिए इवन नंबर क्यों क्योंकि ये x का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से डिविजिबल नंबर आना चाहिए तो ऐसा ही y का वैल्यू डालो तो मैं अभी y का वैल्यू 0 नहीं डाल सकता क्योंकि राइट हैंड साइड में 3 आता है और y का वैल्यू 0 डालने के बाद 2x इक्वल टू 3 मिलता है लेकिन 3 तो ऑड नंबर है वो 2 से डिविजिबल नहीं है तो 2 से डिविजिबल नंबर लाने के लिए हम y का वैल्यू 1 डालते हैं तो y का वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 डाला तो मुझे x का वैल्यू तुरंत मिल जाएगा 3 माइनस 1 2 x का वैल्यू 2 अपॉन 2 1 तो x का वैल्यू 1 मिला y का वैल्यू 1 1 कॉमा 1 ये दूसरा पॉइंट हुआ हमारा b 1 कॉमा 1 ठीक है तो ये आपको डिसाइड करना है ये कोएफिशिएंट देख के उससे डिविजिबल नंबर राइट हैंड साइड में आना चाहिए ऐसे ही वैल्यू डालो फिर हम अभी x का वैल्यू समझो मैं निगेटिव 1 डालता हूँ x का वैल्यू अगर मैंने निगेटिव 1 डाला तो 2 इंटू निगेटिव 1 x के जगह प्लस y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आएगा इसको राइट में शिफ्ट करेंगे तो प्लस 2 होगा तो y इज इक्वल टू 5 तो x का वैल्यू माइनस 1 y का वैल्यू 5 माइनस 1 कॉमा 5 ये हुआ हमारा तीसरा पॉइंट c माइनस 1 कॉमा 5 ओके फिर उसके बाद चौथा वाला पॉइंट समझो मैं y के जगह माइनस 2 डालता हूँ तो माइनस 2 अगर डालेंगे आप तो क्या होगा ये प्लस 2 होगा राइट में शिफ्ट होने के बाद 3 प्लस 2 5 लेकिन 5 2 से डिविजिबल नहीं है तो पॉसिबल नहीं है माइनस 2 नहीं डाल सकते तो फिर माइनस 3 डालेंगे y का वैल्यू माइनस 3 अगर डाला तो आपको यहाँ मिलेगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 3 6 x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 3 तो आपको x का वैल्यू 3 मिला y का वैल्यू नेगेटिव 3 3 कॉमा नेगेटिव 3 ये रहा आपका चौथा पॉइंट ठीक है तो ऐसे आप वैल्यूज डालते जाओ
मैंने छोटे ही वैल्यू लिए हैं, देखो जैसे मैंने क्लियरली बोला था आपको, वन माइनस वन, टू माइनस टू, थ्री माइनस थ्री, जनरली ये वैल्यू आप ट्राई कर दो, ट्राई करो, या फिर फोर माइनस फोर, ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक वो कंप्लीट हो जाता है। आप ये मन से ले रहे, पहले पहले जो वैल्यूज है वो मन से इक्वेशन में डाल रहे खुद बाय अज्यूमिंग, और फिर उसको डाल के दूसरा वैल्यू हम इक्वेशन में डाल के दूसरा वैल्यू फाइंड आउट कर रहे, तो वहां से कोऑर्डिनेट चारों मिल गए। अभी इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करते वक्त सबसे पहले हमारा गोल रहता है एक्स एक्सिस ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस वर्टिकल, यहाँ पे सबसे पहले जीरो लिखो, फिर पॉजिटिव वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, हमारा पहले स्केल लिखना जरूरी है, स्केल इज वन सेंटीमीटर इक्वल टू वन यूनिट, हर बार वही स्केल लेते हैं हम जनरली, लेकिन अगर कभी कभी बहुत बड़े पॉइंट्स आते हैं तो फिर स्केल को हमें रिड्यूस करना पड़ता है। अभी फिलहाल इतने टफ क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं है नाइन्थ स्टैंडर्ड में, तो डोंट वरी, और टेंथ में भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, वन सेंटीमीटर इक्वल टू वन यूनिट काफी है। ये चारों पॉइंट्स प्लॉट कर दो ग्राफ में अभी, तो कौन से चार पॉइंट्स थे, पहला ए 0.3, 0.3 मतलब वो वाई एक्सिस पे रहेगा, 0.3 तो ये आएगा ए 0.3, फिर दूसरा पॉइंट बी 1.1, तो 1.1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ए बी 1.1, तीसरा पॉइंट सी -1.5 वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, ये -1 और ये +5, ये दोनों यहाँ पे मिलते हैं, तो ये हुआ हमारा पॉइंट सी -1.5, एक्स का -1 और वाई का 5 दोनों जहाँ पे मिलते हैं वो रहेगा पॉइंट सी। फिर उसके बाद अगला है डी 3.-3, एक्स का वैल्यू +3 वाई का वैल्यू -3, तो दोनों जहाँ पे एक दूसरे को मिलते हैं वो रहेगा हमारा पॉइंट डी, डी 3.-3, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। और फिर जैसे मैंने बोला था कि इन चारों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, एंड दैट इज अवर आंसर, यही ग्राफ है हमारा। इस लाइन का इक्वेशन लिख लो, इक्वेशन क्या दिया था, 2x + y = 3, ठीक है, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड नाउ। ग्राफ ड्रॉ करना सबको समझ में आ गया क्या? अभी बोल यस सर, यस सर, ओके। तो इस तरीके से आपको ग्राफ ड्रॉ करने हैं, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अभी इसके बाद हमें सेकंड थर्ड फोर्थ ये क्वेश्चन जो है ये मैं होमवर्क देता हूँ, आप ट्राई करो, अगर सॉल्व होते हैं तो बहुत अच्छा। इसमें अभी आपको ये दो ही ग्राफ ड्रॉ करने हैं, दूसरा और तीसरा, एक्सरसाइज 4.3 आज का होमवर्क है, यही आज का होमवर्क है पहले तो। बाद में पांचवा क्वेश्चन में आपको सीधा चूज करना है वाई इक्वल टू एक्स, इस लाइन का ग्राफ कौन सा है, वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू इसका ग्राफ कौन सा है, ये देखो आपको चूज कर पाते हैं कि नहीं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, दीज आर वर्ड प्रॉब्लम्स, तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स हम कल डिस्कस करेंगे। इनका हमें क्या करना रहता है, ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा और ग्राफ से कुछ तो आंसर जो भी पूछा है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हमने ग्राफ का डिस्कशन लिया, 4.3 एक्सरसाइज, जितने क्वेश्चन हो पाते हैं उतने ट्राई करो, जो भी डाउट्स है वो हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और इसका एनसीईआरटी का पीडीएफ आपके पास होना चाहिए, एनसीईआरटी का पीडीएफ नहीं है तो मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, और हर बार मुझे ग्रुप पे भेजने को मत बोलो, अभी आप डाउनलोड करके रखो पूरा 900 का एनसीईआरटी के सारे पीडीएफ, चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन। तो आज का होमवर्क है एक्सरसाइज 4.3, ओके। एक्चुअली स्पीकिंग
अभी इसमें एक ही पार्ट बचा है, इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक पार्ट बचा है। फिर इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और हम एमटीजी का एक्सरसाइज भी कल से स्टार्ट कर देंगे। सो थैंक यू ऑल, सी यू टुमारो।